नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से संबंध रखने वाले सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों ने लघु सचिवालय नूह स्थित जिला योजनाकार कार्यालय में ईडीसी के माध्यम से वोट डालने के लिए स्पेशल केंद्र बनाया। इस केंद्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खड़गटा ने बातचीत के दौरान कहा कि बैलेट पेपर और ईडीसी के माध्यम से जिला योजनाकार कार्यालय में केंद्र बनवाया गया और साथ ही सुरक्षा से लेकर तमाम इंतजाम पुख्ता तरीके से किए गए। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। नूह की तस्वीरें हैं जहां पर कर्मचारियों ने किया मतदान। बैलेट पेपर से डाले गए वोट, नूह की तस्वीरें हैं। कर्मचारियों ने किया मतदान, बैलेट पेपर से डाले गए वोट, नूह की तस्वीरें हैं। देखिए वो तो लगभग अभी जो प्रोसेस है वो उसकी तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि इशू हो रहे हैं और उसके बाद वोटिंग होगी और इसमें 24 तारीख लास्ट डेट है जिसमें वोटिंग कर सकते हैं। हमने एक यूनिफाइड सेंटर ना रखा है, फैसिलिटेशन सेंटर, जहां पर अपने वोट डाल सकते हैं और हम उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी करा रहे हैं। पोलिंग पार्टी हमने डिक्लेयर की हुई है क्योंकि उसको देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी हमने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, समय समय पर आके वो चेक कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी की भी पूरे व्यवस्था की हुई है और हम किसी हर चीज का फेयर एंड फ्री इलेक्शन। हमने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत का प्रयोग किया। जैसे हमारी लोकसभा हिसार है और हम कर्मचारी यहाँ अलग अलग जिलों से काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा एक अच्छा प्रयास है चुनाव आयोग के द्वारा कि जो भी कर्मचारी जहाँ हैं उसको पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डालने का अधिकार दिया गया। पहले क्या होता था, पोस्टल बैलेट पोस्ट के माध्यम से भेजना होता था, अब हम यहीं पर पोस्टल बैलेट मंगवा लिए गए हैं और अपने पोस्टल बैलेट का प्रयोग करके पोस्टल बैलेट को डाल के वोट का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग की अच्छी पहल है। जिला प्रधान पेंशन वाली संघर्ष समिति, अभी हमारे लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और हमारे यहाँ कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट और ईडीसी से वोट की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि अभी हमें सारे जिलों से पोस्टल बैलेट प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे कर्मचारियों को अपना वोट का प्रयोग करने में अच्छी खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारा जिला प्रशासन और सभी कर्मचारी साथियों से अनुरोध है कि अपने वोट का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में करें और जिला प्रशासन से अनुरोध है कि कर्मचारियों के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं। और अगर आज वोट का प्रयोग आज पूरी तरह से पोस्टल बैलेट या वोट पूरे नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए आगे भी तारीख बढ़ाई जाए। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की अंबाला से। अंबाला में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। ट्रैवल गाड़ी की ट्रॉली में जोरदार टक्कर। वैष्णो देवी जाते समय हुआ भीषण हादसा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अंबाला में भीषण सड़क हादसा, 7 की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रैवल गाड़ी की ट्रॉली में जोरदार टक्कर। वैष्णो देवी जाते समय हुआ भीषण हादसा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अंबाला में भीषण सड़क हादसा, 7 की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। वैष्णो देवी जाते समय हुआ भीषण सड़क हादसा। अंबाला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 7 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वैष्णो देवी जाते समय हुआ सड़क हादसा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हादसा कितना भयानक था। 7 लोगों की हादसे में मौत हो गई और साथ ही 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अंबाला की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रैवलर गाड़ी की ट्रॉली में टक्कर हो गई, जिस दौरान भीषण सड़क हादसा हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं हादसा कितना भयानक था और
साथ ही हादसे में 7 लोगों के मौत हो गए, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर समालखा में स्थानीय पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ फ्लैग मार्च किया और इस कड़ी में चुनाव को लेकर होटलों की जांच की जा रही है। साथ ही ड्राई डे के तहत शराब की बिक्री पर भी रोक लगी हुई है। नरेंद्र कादियान डीएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि असामाजिक तत्व के बहकावे में न आए और किसी प्रकार के लालच देने वालों को सूचना तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन और साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम में दें। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत उपमंडल समालखा विधानसभा में पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के आदेश अनुसार शहर में डीएसपी नरेंद्र कुमार के दिशा निर्देश अनुसार थाना प्रभारी फूलकुवार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ जवानों ने शहर समेत अन्य जगहों से फ्लैग मार्च निकाला। डीएसपी के निर्देश में निकाला गया फ्लैग मार्च समालखा की तस्वीरें हैं। पुलिस के साथ सीआरपीएफ साथ मौजूद रही। तस्वीरें समालखा की है जहां चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी है। सर, जो ड्राई डे घोषित किया गया उसके बारे में ठेकों को लेकर क्या कुछ? हाँ, आज 6 बजे से जो हैं सभी ठेके सब बैंड वगैरह सभी बंद हो जाएंगे और ये 25 तारीख को 6 बजे तक बंद रहेंगे। इनकी भी चेकिंग की जाएगी और टंडा में भी कोई भी शरारती तत्व इस टाइप का मिलता है तो उनकी भी चेकिंग लगातार रहेगी अभी 25 तारीख तक। आम जन के लिए पुलिस की तरफ से क्या अपील है? हमारी अपील तो यही है कि बढ़ चढ़ के वोट करने में हिस्सा लें। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भूरिया के दिशा निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला के अलग अलग थाना एरिया में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की टीमों ने आम नागरिकों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रक्रिया में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 25 मई को प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने हैं। जिले में लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष करवाने और साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने जिले भर में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक ने सुरेंद्र सिंह भूरिया ने बताया कि जिला पुलिस लोकसभा चुनाव को अमन चैन से संपन्न करवाने के लिए दिन रात चुनाव पर नजर रखे हुए है। आने वाले जो लोकसभा के चुनाव जो है 25 तारीख को संपन्न होने हैं और इसके लिए जिला पुलिस कुरुक्षेत्र द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, जो सिक्योरिटी नॉर्म्स के मुताबिक पूरी तैयारी कर ली गई है। सफिशिएंट फोर्स जो डिस्ट्रिक्ट की हरियाणा आर्म्ड पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्सेज वो यहाँ रिपोर्ट कर गई हैं। पुलिस का सहयोग करने की अपील की। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हैं जहां पर चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है।
क्षेत्रों में निकाला गया फ्लैग मार्च। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई और साथ ही तस्वीरें कुरुक्षेत्र से हैं। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फरीदाबाद लोकसभा के निर्वाचन अधिकारी विक्रम यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फरीदाबाद लोकसभा में तैयारी पूरी कर ली गई है। 48 घंटे के लिए धारा 144 लगा दी गई है। वहीं हर विधानसभा में एक पिंक पोलिंग स्टेशन बनाया गया जिसमें महिला अधिकारी ही वोटिंग कराएंगे। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और साथ ही कुछ लोगों द्वारा मतदान के बहिष्कार को लेकर विक्रम यादव ने कहा कि कुछ जगह ऐसी शिकायतें मिल रही हैं लेकिन अब शिकायत का निपटारा कर दिया गया है। लोग मतदान करने के लिए सहमत हो गए हैं और हर पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी डीएसपी एसीपी और साथ ही इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी तैनात किए गए। पर्सनली मैंने सीपी साहब के साथ में मिलकर पूरे जिले का जिसमें सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर होती है उन सभी का हमने फ्लैग मार्च कराया जिसमें हमने जो हमारी तैयारियां हैं चाहे पोलिंग बूथ के रिलेटेड हो या फिर सिक्योरिटी के रिलेटेड हो वो सारी उन सभी का मुआयना लिया है और हमारी तैयारियां पूर्ण है उस एस्पेक्ट में। इसके साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारी बसेस जाएंगी जो पोलिंग पार्टीज को लेकर जाएंगी वो करीब 400 के करीब हमारी बसेस रहेंगी जो 6 लोकेशन से जो 6 AR हमारे फरीदाबाद जिले के हैं तो 6 लोकेशन से पोलिंग पार्टीज को 24 तारीख को लेके जाएंगे अपने पोलिंग स्टेशन पे छोड़ेंगे और 25 तारीख को जब पोल खत्म हो जाएगा तो वहां से उनको लेके आएंगे। झज्जर में फ्लैग मार्च निकाला गया। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए झज्जर शहर में मार्च निकाला गया। डीसी शक्ति सिंह का कहना है कि जिले भर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया को संपन्न बनाना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार झज्जर जिले में सभी पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जाएगी। देखिए सफिशियंट संख्या में जैसे एसपी साहब ने भी बताया अभी पिछली ब्रीफिंग में सफिशियंट संख्या में पेट्रोलिंग पार्टीज नाके लगा दिए गए हैं। आज शाम से जो 48 आवर्स का समय शुरू होगा नो पब्लिकेशन का कोई पब्लिसिटी नहीं होगी उसके बाद तो उसको भी ढंग से इन्फोर्स किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है या चुनाव में व्यवधान डालने की कोशिश करता है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई। कितनी टीमें बनाई गई हैं क्योंकि झज्जर जिले के बूथ्स हैं जिन पर विस्तृत संख्या पर जाने की बजाय मैं एक चीज आपको सुनिश्चित कर सकता हूं कि अगर कहीं पर कोई भी घटना होगी तो 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी पेट्रोलिंग टीम वहां पहुंच जाएगी और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। क्योंकि निष्पक्ष भयमुक्त और स्वतंत्र चुनाव हो उसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और उसके लिए कई सारी हमने अपनी टीम्स बनाई हैं जो सबसे पहले तो बूथ ड्यूटीज आती हैं तो बूथ ड्यूटीज जो इलेक्शन कमीशन का नॉर्म है वो लगाया गया है और जो भी संवेदनशील प्रकार के हमारे बूथ हैं या लोकेशन है वहाँ ज्यादा फोर्स लगाई गई है। साथ ही पेट्रोलिंग पार्टीज की ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो 3 से 4 मिनट में कहीं पर भी पहुंच पाए। हमारा डायल 112 नंबर है वो भी निरंतर जारी रहेगा और कोई भी अगर उस पर कॉल आता है तो कार्रवाई होगी। साथ ही हमारा एक यूनिफाइड कंट्रोल रूम है वेबकास्टिंग हो रही है जो हमारे बूथ है उसके अंदर से कि अगर कोई गड़बड़ी का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है और साथ ही बता दें कि अगले 2 दिन पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में रात के समय में हीट वेव चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया गया और साथ ही अगले 24 घंटे में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। वहीं शनिवार से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी भी हो सकती है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। चंडीगढ़ की
चंडीगढ़ में मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी और साथ ही हरियाणा चंडीगढ़ में बढ़ेगी गर्मी, तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी। लगातार हरियाणा चंडीगढ़ को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी, अगले 24 घंटे में बढ़ सकती है और ज्यादा गर्मी, 2 से 3 डिग्री हो सकती है तापमान में वृद्धि। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, अगले 24 घंटे और ज्यादा बढ़ सकती है गर्मी, 2 से 3 डिग्री हो सकती है तापमान में वृद्धि। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फतेहाबाद जिले के भट इलाके में नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। और बता दें कि नहर में नहाने गए 3 दोस्तों में से एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मामले की सूचना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। भट थाना के SHO घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया। और वहीं पुलिस लगातार गोताखोरों से संपर्क कर रही है और नहर में डूबे युवक की तलाश फिलहाल जारी है। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बार तो ये भी बताया जा रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। और साथ ही हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर भयंकर गर्मी में, जहां लोग गर्मी के चलते अब घरों से बाहर निकलना कम हो गए, वहीं इस गर्मी से बचने के लिए लोग नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों का इस्तेमाल कर गर्मी से बचाव कर रहे हैं। महंगाई की वजह से जी नींबू चल रहा है 200 रुपए किलो। हाँ, ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, गर्मी चल रही है, ग्राहक तो आएंगे ही लेकिन बचत कम आ रही है महंगाई की वजह से। हाँ, वही नींबू होता 50-60 रुपए किलो, बचत आती ज्यादा, ग्राहक गर्मी बढ़ी है, हाँ महंगाई बढ़ गई, हाँ बचत कम हो गई, बचत कम हो गई। यूपी जिला कन्नौज के हैं, डबुआ में रहते हैं। नाम क्या है? ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप जी। हाँ जी, ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, ऑटो चलाइए, बहुत जरूरी पड़ रही है। अब ये कोल्ड ड्रिंक पियो, ये क्या नाम इसका, जूस पियो, मेरा बच्चा भी 4 साल की लड़की है, ये क्या नाम इसका, जूस पियो, मेरा बच्चा भी 4 साल की लड़की है, 7 तारीख से बीमार है, मेरा बच्चा भी 4 साल की लड़की है, 7 तारीख से बीमार है। हाँ, गर्मी अब इतना, रात को बुखार हो जाता है उनको, अभी बुखार हो रहा है, और फिर जो सर देखो गर्मी तो देखो बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बट ये है कि लोग अपना ये जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब चीज मतलब पी के गुजारा कर रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि मतलब बस कुछ कह नहीं सकते हैं। लोगों को गर्मी में ज्यादा जूस पानी में पीना चाहिए। जी जी जी, फुल क्रीम भी पहननी चाहिए। जी सर, क्या है पर गर्मी है, बचाव करना जरूरी है। जी सर जी, कान धक्के चले, पूरे शरीर पर धक्के चले। जनरल पोस्ट ऑफिस में सर्वर डाउन होने के चलते ग्राहकों को परेशानी हो रही है। चिलचिलाती धूप में पोस्ट ऑफिस अधिकारी अगले दिन आने की बात कहकर टाल देते हैं। पोस्ट ऑफिस में पैसे निकलवाना या जमा करवाने वालों का कहना है कि रोजाना सर्वर डाउन होने से उन्हें भारी परेशानी के साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। अधिकारी ऐसे कमरों में बैठकर ग्राहकों को चिलचिलाती धूप में रोजाना चक्कर लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। ग्राहकों को हो रही
काफी ज्यादा परेशानी, अधिकारी नहीं कर रहे कोई सुनवाई। तस्वीरें अंबाला से हैं जहां पर लगातार पोस्ट ऑफिस में सर्वर डाउन हो रहा है और जिसकी वजह से ग्राहकों को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। आया हूँ मेन जीपीओ अंबाला कैंट पोस्ट ऑफिस में, यहाँ पे सर्वर जब भी आओ तब भी डाउन मिलता है और पासबुक में एंट्री नहीं होता है और बैलेंस भी पूछो तो बताते हैं जो सर्वर डाउन है बैलेंस भी नहीं बता पाएंगे और ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कल आओ परसों आओ शाम को आओ, अब ऐसे ही चक्कर काटते रहो आकर के डेली छः छठी। पहले कब आए थे? पहले सर तीन दिन पहले ही आया था। तो तब क्या बताया? सर्वर डाउन, फिर आज आया, आज भी सर्वर डाउन, पिछले महीने आया था दो बार सर्वर डाउन, फरौदी के बाद एंट्री नहीं हुई, देख लो ये देखो फरौदी के बाद एंट्री नहीं हुई। और मैं अंबाला कैंट के बड़े पोस्ट ऑफिस में आया हूँ, ठीक ना, मैं कल भी आया था और आज भी आया और मुझे बड़ी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ रहा है कि और ये मुझे हमेशा कल कल करके कह रही है कि कल नेट चलेगा, सर्वर चलेगा और कल सर्वर चलेगा। कल भी आया था मैं और आज भी आया हूँ, ठीक ना, और आज भी मुझे यही बोल के इन्होंने आश्वासन दिया है कि जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे, नहीं तो मंडे को काम होगा। अब इतनी गर्मी में हमें चल के आना पड़ता है और हमें अपनी छुट्टियां लेके आना होता है ऑफिस से और फिर भी हमारा कोई काम नहीं बन पाता, तो अब हम बताएं सरकार से क्या आश्वासन करें कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो ये चीज़ को। मैं चंडीगढ़ से स्पेशल आया हूँ यहाँ अपना पैसा निकलवाने। गर्मी की बढ़ोतरी के साथ ही मौसमी फलों का बाजार में आना शुरू हो गया है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे लोग इससे निपटने के उपाय भी ढूंढ रहे हैं। तल्ख धूप उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, जिससे बचने के लिए लोग बड़े पैमाने पर नींबू पानी, बेल का जूस और तरबूज जैसे मौसमी फलों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें तरबूज की मांग सबसे अधिक हो रही है। तरबूज से लोगों को तत्काल राहत मिल जाती है। तोशाम और दादरी, एक दिन तो दादरी एक दिन तोशाम शहर में बेच रहा हूँ। सभी भाई कस्टमर जो है ना बहुत खुश हैं। तो अब गर्मी बढ़ रही है तो तरबूज की मांग बढ़ गई है। हाँ, तरबूज की देखो तो गर्मी का फल तो है ही, नींबू, राबड़ी, प्याज, तरबूज, ये तो गर्मी का फल है सर। तो बढ़ी, कितनी मांग बढ़ गई, ज्यादा बढ़ ले रहे हैं, बढ़ी हुई है। हर एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं कस्टमर, खूब लेते हैं ग्राहक भाई। कितनी वेरायटी के आप तरबूज रखते हैं? मेरे पास पांच क्वालिटी है तरबूज की। कितने रुपए किलो दे रहे हो? 20 रुपए और 25 रुपए। सस्ते भी हो गए हैं कुछ? नहीं, पहले जो अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है, वो केमिकल है, वो बढ़िया ठीक रेट में बिक रही है। और अडंगा वो तो 10 रुपए किलो भी दे रहे हैं, मंडी में भी डाल रहे हैं। ये तरबूज आपने लिए? ये बढ़िया क्वालिटी के तरबूज है, एक दिन छोड़ के आते हैं यहाँ लेते ही रहते हैं। क्वालिटी तो गर्मी के कारण काफी रात दे रहा तरबूज आपको? हाँ, ये तो गर्मी की चीज है, गर्मी के अंदर ही खन जाती है। हर रोज ले रहे हैं आप? एक दिन छोड़ दिए। हाँ, वैसे घर पे तो रोज ही रखता है, इससे एक दिन छोड़ दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।